हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक प्रोडक्ट के लिए स्टैंड डिजाइन करना सिखाऊंगा सोशल मीडिया ऐड पर मैं पोस्ट के लिए, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिजाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आप सभी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सभी हमें कुछ नया क्रिएटिव डिजाइन सीखने मिले। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 108 GB, हाइट साइज में 70 GB, कलर मोड RGB। और यहाँ पे फाइल नेम देता हूँ मैं पोस्ट ऐड, और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया। अब मैंने एक इमेज लिया है JPG, तो इसे मैंने ऑलरेडी PNG करके रख लिया है। तो इसे इस तरह मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ला इस तरह इसे रख लूँगा। अब मैं यहाँ पर Ctrl+G करके इसे ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे लॉक कर लेता हूँ और इसे हाइड कर लेता हूँ, ताकि हमारा डिज़ाइन ही लेना। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में, और यहाँ से मैं डार्क कलर पिक करूँगा। इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे एलिप्स टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। और यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे जाके मैं कलर पिक कर लूँगा। इस कलर बॉक्स पर क्लिक करके मैं आप सभी को यहाँ पर कलर कोड दिखाता हूँ, ये रहा इसका कलर कोड, ओके करूँगा। इसे क्लोज कर लूँगा मैं। अब मैं लेयर में जाऊँगा और इसी का एक डुप्लीकेट क्लिक करूँगा, Ctrl+J प्रेस करूँगा। अब इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इस आइकन को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसका बॉर्डर रखूँगा मैं वाइट, और यहाँ पे इसका बॉर्डर थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं इस तरह। इसे क्लोज कर लूँगा मैं। यहाँ पे मोटूल सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इसी को एक नियर ले लूँगा फिर से, इसे ड्रैग करके मैं इन दोनों लेयर के नीचे रख लूँगा। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरह मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं। और यहाँ पर लेयर में जाके मैं ऊपर में लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाके फिल्टर में इसे थोड़ा ब्लर कर लूँगा, ग्रोशनी ब्लर को सिलेक्ट करूँगा, इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। और यहाँ पे इसका ब्लरनेस थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया, ओके करूँगा। अब मैं इसे मास्किंग करूँगा, तो इस आइकन पर क्लिक करूँगा मास्किंग के, इस आर्ट वर्क पर क्लिक करके यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लोज बैकर से मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और इसे इस तरह में रिमूव कर लूँगा मैं, तो एक कुछ इस तरह बॉर्डर दिखेगा इफेक्ट। अब मैं नीचे वाले के सेलेक्ट करूँगा और इसका बॉर्डर मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसने 12x40 यहाँ पे ले लिया, इसे क्लोज कर लेता हूँ इस तरह। अब मैं इसी का एक नेल ले लूँगा और यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करके इसी से रिलेटेड मैं लाइट कलर पिक करूँगा, सब कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, इनसे इस तरह बड़ा करूँगा ओपन ब्रैकेट से, और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा। अब मैं ऊपर लेयर को सेलेक्ट करूँगा, अल्ट प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे इस तरह एक एरो आ जाएगा, इसे क्लिक करके इसे क्लिप कर लूँगा इन दोनों के बीच में। अब मैं ऊपर लेयर को सेलेक्ट करूँगा, इसी को भाई इसे न्यू लेयर लूँगा। अब मैं इस ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने वही कलर लिया हुआ है, दो नीचे दिया हुआ था, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसे भी अल्ट करके मैं होल्ड करके रखूँगा, इसे क्लिप कर लूँगा, तो ये क्लिप हो जाएगा इसके अंदर। Ctrl+T करके मैं इसे इस तरह थोड़ा सा बेंड करूँगा और यहाँ से इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा मैं, इस तरह इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और इसी के ऊपर फिर से न्यू लेयर लूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश लूँगा, जो कि ऑर्डर में सॉल्वर्स लिया हुआ है, इसे इस तरह ओपन ब्रैकेट से मैं बड़ा करूँगा और यहाँ पर इस तरह क्लिक करूँगा, तो एक कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं इसी के ऊपर फिर से एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं। और यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे जाके यहाँ पे डार्क कलर पिक कर लूँगा इस तरह। अब मैं यहाँ पे इसी को एक न्यू लेयर लूँगा फिर से, और यहाँ पे मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और मैं यही कलर रहने दूँगा यहाँ पे, इसका कोड दिख जाएगा आप सभी को। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट्स में इस तरह से छोटा कर लूँगा और यहाँ पर मैं शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पर इस तरह मैं एक लाइन क्रिएट कर लूँगा, तो ये कुछ इस तरह एक इफेक्ट आएगा। अब अल्ट होल्ड करके रखूँगा और इसे इस तरह मैं क्लिप कर लूँगा इसके अंदर। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसे चेंज कर लेता हूँ, ताकि ये हिले ना, और इसी का डुप्लीकेट निकालूंगा Ctrl+J प्रेस करके, Ctrl+T करूँगा और इसे इस तरह मैं यहाँ पे इस तरह रख लूँगा, तो ये पीछे वाला रेक्टेंगल काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसे सेलेक्ट करूँगा, सॉरी इसे पहले चैन में रिमूव कर लेता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह में मैनेज कर लूँगा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट निकालूँगा Ctrl+T करके, मैं इसे इस तरह में यहाँ पर रख लूँगा थोड़ा लेफ्ट साइड में। यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं यहाँ पे एक विंडो इफेक्ट
क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ले लूँगा। अब मैं यहाँ पे कलर डार्क ले लूँगा और यहाँ पे इस तरह मैं लेयर में जाके यहाँ पे कंट्रोल जे करूँगा तो इसे एक डुप्लीकेट जाएगा और यहाँ पे इसे पकड़ के मैं सॉरी अंडू करता हूँ। इस तरह मैं कॉर्नर से इसे छोटा कर लूँगा मैं और यहाँ पर मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ किस तरह, और यहाँ पर सब कलर में वाइट ले लेता हूँ ताकि दिखे इस तरह में, और इसे डुप्लीकेट ले पाऊँगा इसे इस तरह अंदर रख लूँगा। अब इसे पकड़ के इन दोनों को सेलेक्ट करके इस तरह मैं एक डुप्लीकेट निकाल लूँगा मैं। अब इन चारों को सेलेक्ट करूँगा सिप पकड़ के कंट्रोल टी करूँगा और इस तरह मैं इसे मैनेज करूँगा मैं इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये चारों मर्ज हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके रखूँगा यहाँ पर सलेक्शन ऑन हो जाएगा। अब ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा नीचे वाले को और यहाँ पर मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पर इसे हाइड कर लूँगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये इन्वर्स हो जाकर ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो चारों बॉक्स में कटिंग दिखेगा आप सभी को। अब मैं क्या करूँगा इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फिल्टर में जाके यहाँ से जाऊँगा ब्लर में जाके ग्रोशनी ब्लर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसका ब्लरनेस इस तरह मैं थोड़ा बढ़ा लूँगा ऐसा मैनेज करूँगा ओके करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट दिखे। कंट्रोल टी करूँगा और इसे इस तरह मैं रोटेट करके मैं थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह मैं मैनेज करूँगा, मैं इंटर करूँगा थोड़ा सा और बड़ा कर लेता ताकि कवर हो जाए, इंटर करूँगा। अब इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे मास्किंग को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं ब्रश को सिलेक्ट करके इसे नीचे लेकर मैं इस तरह मैं रिमूव कर लूँगा। कुछ इस तरह इफेक्ट दिखेगा दोस्तों, विजिबल हो जाएगा थोड़ा सा। इसे मैं मैनेज करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा सॉरी यहाँ पे ये लॉक हटा लेता हूँ और यहाँ पर इस तरह इसे मैनेज करूँगा तो ये डिजाइन हमें कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों। अब मैं यहाँ टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा मैं ग्रेडियंट में और यहाँ पर ग्रेडियंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ये डार्क कलर को पिक कर लूँगा ओके करूँगा और यहाँ पे मैं डार्क कलर ले लेता हूँ ओके करूँगा। इसे ओके करके यहाँ पे रेडियल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इन्वर्स कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसका स्केल बढ़ा लूँगा इस तरह मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इस तरह और ओके करूँगा। अब मैं इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करूँगा, ब्रश को थोड़ा बड़ा करूँगा और यहाँ पर इस तरह मैं क्लिक करके थोड़ा हाईलाइट कर लूँगा तो कुछ इस तरह दिखेगा। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट कट ई प्रेस करूँगा, थ्री डिज़ाइन कंबाइंड देंगे। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं नॉइस में, यहाँ से ऐड नॉइस करूँगा और यहाँ पे मैं नॉइस रखूँगा 4 और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जिसमें मैं जाके यहाँ से ब्राइटनेस में जाऊँगा और यहाँ पर इस तरह इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस बढ़ा लूँगा ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से जाऊँगा एक्सपोजर में और यहाँ से थोड़ा सा इसका ऑफसेट बढ़ा लूँगा मैं तरह और यहाँ से डार्क थोड़ा सा डार्क कर लूँगा मैं इस तरह और ओके करूँगा। कंट्रोल जी करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट मैनेज कर लेता हूँ तो मैं फटाफट मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ। तो फाइनल दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया सोशल मीडिया एड करूँगा पोस्ट के लिए। तो दोस्तों ये डिज़ाइन आपसे कैसा लगा प्लीज़ मैं कमेंट करके बताइएगा और अगर मैं इस पर पहना है तो भी मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।